थ्योरी तो हमारी सारी कवर हो चुकी है सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो लेक्चर देख लिए हमने, तो अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि भाई साहब फॉर्मूले अप्लाई करने नहीं आते कॉडिकेटिव प्रॉपर्टीज में खास करके। देखो भाई, कॉडिकेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ाने से पहले मैं तुमको पहले बोला था कि दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी रिलेशन देखोगे तुम, जैसे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, दिस इज आरएलवीपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्सबीबी मतलब सॉल्यूट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हर एक कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाउएवर दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर जरूर डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं हम। हाँ, अब देखो कोई चीज अगर आप डिसॉल्व करोगे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज क्या करेगी जैसे डाली वैसे ही वैसे सॉल्यूशन में रहे, ना वो एसोसिएट हो ना वो डिसोसिएट हो, ठीक है, यानी कि जितने मोल्स आपने डाले हैं उतने ही मोल्स उसके अंदर है, ना बड़े हैं ना कम हुए सॉल्यूट के, ठीक है जी। तो इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, दीज थिंग्स आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोच लो भाई तुम, कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कोई भी ऐसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सुक्रोज, ठीक है। तो ये सब चीजें जब जो कि ना एसोसिएट करेंगी ना डिसोसिएट करेंगी, इसमें जितना अमाउंट आपने डाला वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई चीज एसोसिएट कर जाए या डिसोसिएट कर जाए, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, तो भाई साहब फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मैंने इसीलिए दो तरह के फॉर्मूले पहले ही बताए थे आपको, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले बोला था, दो तरह का चीज बन सकती है, या तो चीज इलेक्ट्रोलाइट हो डिसोसिएट कर रही हो, या क्या हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो डिसोसिएट ना कर, जितना है उतना ही रहे नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरी चीज क्या, उसकी कंपाउंड एसोसिएट भी कर सकता है। इसकी एग्जांपल आपको ज्यादातर क्या दी होगी, एसिड होगा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि एसिडिक एसिड या कुछ ऐसा कोई एसिड, बेंजीन वगैरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डाला हो, पानी के अंदर नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, वहां पर वो डाइमर बना देता है, ये जनरली एग्जाम्पल यही है, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन में अगर कोई हैपेजर्ड एग्जाम्पल आ जाती है तो फिर वो बता देंगे वो चीज एसोसिएट कर रही है या डिसोसिएट कर रही है, ठीक है, वो बता देते हैं साथ में। अगर इसके अलावा कोई एग्जाम्पल होती है एसिड के अलावा क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो वो ज्यादातर क्या करता है एसोसिएट कर जाता है, जब एसिड को पानी में नहीं डालना होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब देखो दो तरह के फॉर्मूले बन गए, एक फैक्टर लग जाए, फॉर्मूले सारे सेम है इसके केस में, इसके केस में भी, बस एक नई चीज आ जाती है, आई 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 आई। अब देखो भाई साहब, ये है आरएलवीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये है डेल्टा टीपी एलिवेशन इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलालिटी के ऊपर, डेल्टा टी ऑफ डिप्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये आर भी कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, तो कंसंट्रेशन को डिपेंड करती है। यहां पर फॉर्मूला यही सेम बन रहा है, ठीक है, एक नई चीज एड हो गई है, क्या मतलब, जितने पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा आने की चांसेस होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा आने के चांसेस होंगे, ठीक है जी, ठीक, क्योंकि जितना अमाउंट डाल दोगे सॉल्यूट का ज्यादा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अक्सर एमसी को पूछा जाता है कि भाई साहब ये गिवन कंपाउंड दिए हुए हैं इनके अंदर किन के अंदर डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट है, कोई भी एक कोई भी मालूम कोई भी आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछी है उसकी वैल्यू किसमें ज्यादा आएगी, किसमें डिप्रेशन ज्यादा आएगा, किसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, किसके किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी, किसमें रिलेटिव लोडिंग प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी, आपने सिर्फ देखना कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, ठीक है जी, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये तो अभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, बट अगर चीज एसोसिएट हो रही हो और डिसोसिएट हो रही हो, एक नया फैक्टर आ गया आई, अगर एसोसिएट हो जाएगा तो आई की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन वन, मतलब आई एक्चुअली होता क्या है, आई इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आई का फॉर्मूला ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर, एक आ चुका हूं अपने लेक्चर में, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स
ओवर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। बात क्लियर होगी, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ओवर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब अगर आपकी चीज डिसोसिएट कर जाए तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लो आपने एक मोल डाला था NaCl का बट वो टूट गया पानी के अंदर, किसके अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि एक मोल जो आपका NaCl है वो एक मोल Na पॉजिटिव आयन देगा, एक मोल Cl नेगेटिव आयन देगा, यानी कि एक्चुअली एक नहीं हुआ, कितने टू मोल्स हो गए, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स टू है, आपने डाले कितने थे, वन, टू बाय वन, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, टू वन से ग्रेटर आ गई, ठीक है, यही चक्कर है। अगर मान लो अगर आपका चीज एसोसिएट कर जाए तो क्या होगा, मान लो दो चीजें मिलकर एक चीज बना दे, जैसे डायमर बना दे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब आपने डाला एक मोल होगा कितना, आधा, यानी कि ऊपर 0.5, नीचे आप वन, तो आंसर क्या आएगा, आई से नीचे, आई की वैल्यू वन से नीचे हो जाएगी, जो चीजें एसोसिएट कर रही होंगी उनके लिए आई का, आई की वैल्यू वन से नीचे हो जाएगी, और जो चीज डिसोसिएट कर रही होंगी उसके लिए आई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, जितना आई बढ़ता जाएगा उतना ये इसकी वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो अल्टीमेटली ये जो इधर वाली साइड है, अगर आई की वैल्यू जितनी ज्यादा आती होगी उतना आपका क्या रहेगा, मान लो रिलेटिव लोडिंग में प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू ज्यादा आएगी, पाई की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, अगर आई वन से नीचे हो जाएगा तो उतनी ही कम होती जाएगी, एसोसिएशन के केस में कम होती जाती है वैल्यू, डिसोसिएशन के केस में ज्यादा होती जाती है वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको अक्सर पूछ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि बताओ जी, क्वेश्चन थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या बन जाता है आपके पास, क्वेश्चन होता है कुछ ऐसे करके, मान लो ऑफ द फॉलोइंग विच हैज हाइएस्ट RLVP, मेटल रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, एक आपको दिया था 1 मोलर NaCl, सेकेंड दिया था आपको भाई साहब 2 मोलर सोडियम सल्फेट दे दिया, 1 मोलर सोडियम सल्फेट दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया आपको भाई साहब 1 मोलर यूरिया दे दिया, 4th दे दिया आपको भाई साहब 1 मोलर बेरियम क्लोराइड दे दिया, 5th ऑप्शन आ गई, हाईएस्ट जानबूझ के मैंने ये इंक्लूड किया, हाईएस्ट इन सेकंड एंड फोर्थ विद RLVP ऑफ सेकंड इक्वल टू 4, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को मैं, देखो मैंने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब आपको पता है जब एक्वो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये पानी में जाएगा तो एक मोल Na पॉजिटिव बन जाएंगे और एक मोल क्या बन जाएंगे Cl नेगेटिव, यानी कि मोल कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए, ठीक है, अब अगर ये पानी में जाएगा 2 मोल Na पॉजिटिव आ जाएंगे यहां से और एक मोल किसके आ जाएंगे सल्फेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 इसके और एक इसके, कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, यूरिया टूटेगा नहीं तो एक का एक ही है, यहां केस में एक मोल बेरियम आ जाएगा और 2 मोल किसके आ जाएंगे, क्लोराइड के आ जाएंगे, ठीक है भाई साहब, तो कितना हो गया आपका, इसके केस में भी 3, इसके केस में 3, तो आंसर क्या, जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये केस बिल्कुल ठीक लग रहा है, जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। सिमिलर यहां पे कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और बाद में क्या आ जाएगा भाई साहब, आपका वो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट क्या लगेगा आपका, सेम लगेगा, ठीक है, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मान लो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज एट द फ्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, कर लो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है, वो बच्चों वाली बात मत करना कि लिक्विड फ्रीज, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, जैसे जैसे आप कम करते हो टेम्परेचर तब वो फ्रीज करता है, यानी कि एक चीज अगर मान लो 1 डिग्री पे 0 डिग्री पे फ्रीज कर रही है और दूसरी की दूसरा क्या बोलते हैं मान लो -1 डिग्री पे फ्रीज कर रही है, तो हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, 0 डिग्री वाले का, ठीक है जी, ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए जितने ज्यादा पार्टिकल्स बनेंगे उतना डिप्रेशन ज्यादा आएगा, मतलब उतना जीरो से वैल्यू का ही कम आएगी, अब जिसमें सबसे कम पार्टिकल बने होंगे ना उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि यहां पे आंसर आपका यूरिया हो जाएगा इस केस में, उल्टा,
ठीक है, अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता आंसर फिर से FFT होता, क्योंकि जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना एलिवेशन ज्यादा आएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कल्ला फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है, अगर डिप्रेशन लिख दिया यहां पे, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, छोटा सा एक वर्ड है अक्सर मिस कर जाते हैं। हाईएस्ट डिप्रेशन मतलब जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है मैक्सिमम चेंज आया होगा, वो कितना चेंज आएगा, जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे, फिर से आंसर क्या बन जाएगा, फिफ्थ बन जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमें लग गए, क्लियर है जी, हमें लग गई है। ठीक है, हम आपको क्या लगता है, ठीक है, हैं? ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना बनता, कंसेप्ट हो गया क्लियर है ना। चलो, जिसको नहीं लगा पता भाई पर्सनली फोन कर लेना, क्वेश्चन देखो एमसीक्यू बड़े होंगे, क्लियर हो जाएंगे, जहां पे डाउट आता है मेरे को फोन कर लेना, पूछ लेना, ठीक है जी, चैट मैसेज जो भी करना है आप कर लेना। अगर मैं आप बोलो एक चीज और, हाँ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, कभी कभी क्या होता है भाई साहब, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स दिया होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड ले लो भाई साहब, ऐसे करके ऐसे कुछ दिया होता है, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया होता है। अब आपने सोचना भाई साहब, ये अभी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, इसलिए आपको भी पता नहीं चल रहा कि यहां होगा क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, मेरे को बता क्या होता है, ठीक है, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब देखो, अब ये जो चीज है ना, ये ब्रैकेट जो बनी हुई है ब्लू कलर की ब्रैकेट बना देते हैं इसको, ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना आ गया ना आपको, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ गया, क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब जब आपने इसके आयंस बनाने हैं ना, तो आपने सिर्फ जो ब्रैकेट के बाहर वाला उसको कंसीडर करना है एक आयन, और ये ब्रैकेट के अंदर स्केयर ब्रैकेट के अंदर उसको एक टोटल आयन कंसीडर करना है, इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको तोड़ना नहीं है आपने, ये नहीं टूटता, ये बहुत स्टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्केयर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको आपने एक मानना है, ये नहीं देखना कि आपने बोलना कि यहां से सोडियम के दो आ जाएंगे और आपका आयरन का एक आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव उसकी ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे ये आपको बाद में पता चलेगा 6 साइनाइड आ जाएंगे, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपका इसके केस में क्या होगा, सोडियम आपके दो सोडियम आ गए और टोटल एक ये FeCl6 कितना आ जाएगा जी, 2 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दो नन्हे पॉजिटिव यहाँ पे 2 नेगेटिव, ये इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपका आयन पूरा आएगा। जैसे आप सोडियम सल्फेट करते हो ना, इसको तोड़ते हो, कैसे तोड़ते हो, दो सोडियम आयन बन जाते हैं और एक कौन सा आयन बन जाता है, सल्फेट आयन, इसको पूरा कंसीडर करते ना, ऐसे ही आपने स्केयर ब्रैकेट वाली चीजें नहीं निकालनी बाहर, इसको अंदर ही रखना है, इसको पूरे को एक मानना है, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, यानी कि कितने मोल, अगर एक मोल आप इसको पानी में डिसॉल्व करो, कितने मोल्स बन गए, 2 मोल इसके बन गए सोडियम के और 1 मोल इसके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 3 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्वेश्चन लगाओ, हो जाएंगे, बाकी सेम चीज रहनी है। एसिडिक केस में क्या होना, मैंने पहले बता दिया, एसिडिक एसिड इन बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन, टॉलीन कुछ भी दिया, वो आपस में डाइमराइज कर जाएंगे तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, मैंने वो सारा लेक्चर डिस्कस कर दिया, आई की वैल्यू निकालनी कैसे है, किसी को फिर भी डाउट है तो मेरे को बोल देना। ठीक है जी, तो एक तरह के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू जी, अब अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है।